शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। I'm really sorry, बाबा। मतलब मेरे को उधर नॉक करके जाना चाहिए था। एक मिनट रुकोगी। जैसे तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। वो संध्या जी का पैर फिसल गया तो मैंने जरा सा संभाल लिया। नहीं नहीं मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ बाबा। लेकिन मेरा रिएक्शन भी नेचुरल था कि नहीं है? मैंने ऑफिस में पहली बार ऐसा। पहली बार क्या? हाँ नहीं मैं ऐसा। शट अप। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो ना? नहीं बाबा, आज तक मेरे को लगता था कि मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आज। लेकिन आज क्या? नहीं कुछ कुछ। शट अप। रामदीन जी साहब, चाय मंगो। नहीं, एक काम करो, पोस्ट ऑफिस के पास में वो दवा की दुकान देखी है ना? हाँ साहब। वहाँ पर जाओ और ये स्प्रे लेकर आओ। ठीक है। अगर ये स्प्रे ना मिले ना तो कोई भी मोच वाला स्प्रे ले आना। ठीक है साहब। लो बाबा, क्या बात है, एकदम स्प्रे मंगवा लिया? ज्यादा मोच चाहिए क्या मैडम को? नहीं, वो फाइल ढूंढना चाहिए। तुमने वहां ढूंढी नहीं फाइल? कि फाइल ढूंढने से पहले मैडम को मोच आ गई थी। ढूंढी थी। अपनी बकवास बंद करोगे, उस फाइल का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमें उस कंपनी को कोटेशंस भेजने हैं, इसलिए वो फाइल ढूंढो, जाओ। हाँ मैं ढूंढता हूँ। फाइल गई किधर? हूँ संध्या, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है वैशु, इट इज जस्ट अ बिगनिंग। लेकिन शुरुआत के लिए कोई बुरा भी नहीं। क्या लगता है तुझे, मेरी और अंबर की इस तरह फोटोग्राफ्स देखकर कैसे रिएक्ट करेंगी तेरी फैमिली? कैसे रिएक्ट करेंगे? दम निकल जाएगा सबका। ये फोटोज नहीं है संध्या, ये एटम बॉम्ब्स हैं, जो जैसे ही शास्त्री निवास पहुंचेंगे ऐसा धमाका करेंगे कि मेरे ससुराल वालों की सात पुश्ते याद रखें। And all thanks goes to you, Sandhya. वाकई तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तेरी दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ वैशाली। दीदी आ? वैशु, मैं कब से तुम्हारा किचन में वेट कर रही हूँ, क्या आज भी खाना मुझे अकेले बनाना पड़ेगा या तुम आ रही हो? नहीं नहीं दीदी, आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। इस घर में तो कोई चैन से सपने भी नहीं देख सकता। पता नहीं वहां संध्या क्या कर रही होगी, लेकिन यहां वैशाली को रोटियां जरूर पेलनी पड़ेंगी। मुफ्त की नौकरानी समझ रखा है मुझे। ये लगा दीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। थैंक्स। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, रहने दो। अरे नहीं नहीं, इफ यू डोंट माइंड मैं लगा देता हूँ। नहीं नहीं मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी, प्लीज। यही है तुम्हारी सही जगह अंबर, संध्या के कदमों में। अब आपको बेटर लग रहा है?
Yeah, I think so. Thanks, Ambar. Welcome. Ah! क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है. मुझे नहीं लगता कि मैं शाम तक यहाँ पे बैठ पाऊँगी. क्या तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर सकते हो? It's all right. No problem. I understand. अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा. लेकिन वो सदानंद कंस्ट्रक्शन की कोटेशन? जी वो कोटेशन मैं आज रात को आपके घर पहुंचा दूंगा ऑफिस के बाद. और वो फाइल? आप फिक्र मत कीजिए मैं ढूंढ दूंगा. आइए. संभल कर. दर्द क्या हुआ, दवा क्या हुई, इतनी सी आग और हवा क्या हुई? मान गए तुमको, मान गए. सॉरी अंबर, तुम पहली बार मेरे घर आए हो और मैं तुम्हें एक ड्रिंक भी ऑफर करने की कंडीशन में नहीं हूँ. आई एम रियली फीलिंग वेरी वेरी बैड. अरे नहीं नहीं ऐसे मत कहिए. इट्स ऑल राइट. आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है. आई थिंक अभी मुझे चलना चाहिए. थोड़ी देर बैठो ना. यहाँ अकेली रहती है? मैं तो बचपन से ही अकेली रहती हूँ. मुझे आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसको मैं अपना बोल सकूं. संध्या जी, आई थिंक मुझे चलना चाहिए. ऑफिस में बहुत काम है. वो कोटेशंस बनानी है, फाइल भी ढूंढनी है, तो मैं चलता हूँ. एंड थैंक्स अंबर मुझे घर तक ड्रॉप करने के लिए और एक अच्छा फुट मसाज देने के लिए. अरे इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है. आई जस्ट होप कि उस फुट मसाज से आपको थोड़ा सा आराम पड़ा हो. चलता हूँ. बाय. टेक केयर. बाय. स्पिनिंग. तेरे ऑफिस में जो नई जीएम आई है ना, पता भी है वो कौन है? तेरी वैशु भाभी की बहुत अच्छी सहेली है. मतलब बेस्ट फ्रेंड है वो लोग. अच्छा? हाँ भाई. अच्छा मतलब ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टेंशन हो ना, तुझे चिंता मत करना. किसे फोन कर रहे हो? एक मिनट.
ठीक है भैया, मैं पहुंचती हूँ। वैशु क्या हुआ? दीदी मुझे भी जाना पड़ेगा, किचन आप प्लीज संभाल लीजिएगा। हाँ अरे मुझे बताकर तो जाओ क्या हुआ। दीदी मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मैं अभी चलती हूँ। वैशु तुमने किसको फोन करके बुलाया? जिसे भी बुलाया वो आपका बेहद करीब है, आपका कोई अपना, जिसे देखकर आपको बहुत खुशी होगी। अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, चलता हूं, बाय। ओ गॉड, इसने कहीं उस इडियट रस्तोगी को तो नहीं बुला लिया? नो। किसके सपने देख रहे हो? तुम्हारे, आई मीन संध्या मैडम के, आई मीन मतलब मैं कह रहा था भाव के, अब संध्या मैडम का दर्द कैसा है? कौन से दर्द की बात कर रहे हो? अरे नहीं बाबा, वो उनके पाँव में मोच आई थी ना, मैं उसी के बारे में पूछ रहा था, तुमको क्या लगा? उनका दर्द ठीक है, वो घर जा चुकी है और उनकी देखरेख करने के लिए घर पे कोई है। अब काम की बात करें। आप बोलो, चाय मंगो। वो सदानंद कंस्ट्रक्शंस की फाइल ढूंढी तुमने? अरे बाप, मैं तो उसके बारे मतलब उसी फाइल के बारे में सोच रहा था, वो फाइल लेकिन मेरे को मिली नहीं। बा नहीं मिले, कहाँ गई होगी? गुरुजी कोई तो उपाय होगा ना, जिससे मेरे छोटी के जीवन की मुश्किलें कट जाए। रास्ता तो आपने पहले ही चुन लिया है, मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्म से उसका वर्तमान निर्धारित होता है। जिस मनुष्य का पूर्व जन्म ठीक नहीं होता, उसको इस जन्म में दंड भुगतना ही पड़ता है, और जिस मनुष्य का पूर्व जन्म अच्छा होता है, उसे फल प्राप्ति से कोई वंचित नहीं कर सकता। और ये सब क्या है गुरुजी? इस जन्म में जो सेवा की जा रही है, क्या उसका कोई फल नहीं मिलता? मिलता है, अवश्य मिलता है। जो मनुष्य दीन दुखियों की सेवा करता है, उसके घर में सर्वदा सुख शांति रहती है, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। मेरी छोटी बहू तो जब से यहाँ आई है, लोगों की सेवा करने में ही लगी हुई है। इसमें घबराने की क्या बात है? वो दीन दुखियों की सेवा कर रही है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपके परिवार में सुख शांति आएगी। ऋषि, ऋषि तुम आ गए? समीर कहाँ है? वो समीर भैया को एक्चुअली कुछ काम आ गया था, कह रहे थे वो काम निपटा कर ही घर आएंगे। अच्छा अच्छा, वैशु भी नहीं है घर पर? नहीं, वैशु कहाँ है? वो एक्चुअली उसकी एक फ्रेंड है संध्या नाम की, अंबर का फोन आया था ये बताने के लिए कि संध्या की तबीयत ठीक नहीं है, तो वैशु को उसके घर जाना पड़ा उसकी देखभाल करने के लिए। अब चाय लाऊं? चाय लाऊं? हाँ अभी लाती हूँ। मुझे तो वैशु ने कहा था कि संध्या बिल्कुल बदल गई है और उसने
उसके साथ अपना पुराना हिसाब निपटाकर पहले वाला रिश्ता भी नहीं रहने दिया है, तो फिर वैशु गई क्यों है? मेरी छोटी की जीवन में बहुत मुश्किल और बहुत इंतजार के बाद ये खुशी आई है। मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी, मैं छोटी के जीवन में इस खुशी को लाकर रहूंगी, चाहे रास्ते में कितनी विघ्न बाधाएं क्यों ना आए। मैं उसके जीवन में इतनी दुआएं भर दूंगी कि उसका कोई भी पिछला कर्म उसके आने वाले वर्तमान की खुशियों को से छीन नहीं पाएगा। संध्या, मैं हूं वैशु। वैशु, तू कैसे आ गई इस वक्त? अंबर भैया का फोन आया था कि भाभी आपकी बेस्ट फ्रेंड के टांग में मोच आ गई है, तो प्लीज आप जाके उसकी हेल्प कीजिए। भाई जा कहां सकती है, मैंने खुद लाके दी थी संध्या जी को। अंबर को सब कुछ पता है हमारे बारे में, लेकिन कैसे? मेरे पति देव, उनके पेट में ना कोई बात नहीं बचती। जाके उन्होंने कह दिया अंबर भैया से कि मैं और तू बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और बस। तो अब तुझे बहुत संभल के रहना पड़ेगा। नहीं, मैं संभल के ही रह रही हूँ, लेकिन मैंने ऋषि को यह समझा भी दिया है कि तेरी मेरी फ्रेंडशिप अब पहले जैसी नहीं रही है, हम उतने अच्छे दोस्त नहीं है। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूं? तू अपने देश में रहकर इतनी शानी है, मैं तो फिर विलायत से रह के आई, तो उससे दो चार कदम आगे ही होंगी। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूं? हाँ, वो तो है। बस अब तू देखती जा कि मैं तेरे देवर के साथ क्या करती हूं। ये रही, पर ये फाइल यहां पर किसने रखी? संध्या ने। लेकिन वो ये फाइल यहां क्यों रखेगी? उसे अभी पता नहीं है कि अगर एक लड़की अपने पर आ जाए ना, तो उस जैसे लड़के को कहीं का नहीं छोड़ती।